जी मैंने आज बनाया है कोरमा, तो कोरमे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आगे चल कर मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हो, आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। यहाँ पे मैं वाइट कोरमे की तैयारी कर रही हूँ। तो उसमें ये खड़े मसाले जाते हैं, और खड़े मसालों में क्या क्या है, उसमें ब्लैक ज़ीरा और एक अदर मैंने जो है ना वो बड़ी इलायची डाली है, दो से तीन अदर छोटी इलायची, काली मिर्च, एक से दो अदर कड़ी पत्ता जाएगा, और बीच में जाएगी दालचीनी के दो से तीन टुकड़े। तो सबसे पहले आप ऑयल में इसमें फ्राई कर लें अच्छे से, और जब भी इसकी खुशबू आने लगे तो उसके बाद आपने इसमें चिकन को ऐड करना है, और चिकन को आपने अच्छे से फ्राई करना है। और जब इसका रंग जो है, इसका जो कलर है वो चेंज होने लगे, तो फिर आपने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो आपने डालना है। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो इसमें चिकन और उसका जो है लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो पाउडर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वही यूज़ किया था क्योंकि मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं था, ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैं ज़्यादातर जो है मैं वो पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और इसको आपने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, आप जैसे इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर ये देखिए ये मैं डाल रही हूँ अदरक का पाउडर जो है वो डाल रही हूँ, और साथ लहसुन पाउडर डाल दूँगी हाफ टी स्पून, और हंसपे टेस्ट है वो मैं नमक इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और ये बिल्कुल मज़े का बनता है। आमतौर पर ये हम जैसे ये शादियों का मेन्यू होता है उसमें रखा जाता है, और रेस्टोरेंट में भी होता है, तो बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आएगा, आप ट्राई कीजिएगा। तो ये स्पेशली जो है ना, जो मेरे बच्चों को पसंद है, उनको चिकन कढ़ाई जो है ना वो कम ही, पहले वो शौक़ से खाते थे लेकिन अब वो खाना छोड़ गए हैं। तो अब मैं ये वाइट कोरमा बनाती हूँ तो वो शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें बनानी तो मैंने है ही है, हालांकि ये मेरे जो चैनल पे पहले भी है लेकिन वो बहुत पहले मैंने डाली थी। तो जो भी बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं जो मेरी रेसिपी, उनके लिए भी शेयर कर रही हूँ कि चले वो मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इसको ट्राई करें, और मुझे फीडबैक इसका ज़रूर दीजिएगा। तो एक कप भर के मैंने इसमें दही का डाल लिया था। कोशिश करनी है आपने कि जो दही है वो आपका फ्रेश होना चाहिए, एक दो दिन का पुराना दही बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो पुराना दही होता है वो बिल्कुल खट्टा सा होता है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो आपने जब भी ये कोरमा बनाना है, सॉरी ये वाइट कोरमा बनाना है, तो उसमें आपने फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। और थोड़ा सा बीच में पानी भी ऐड कर सकते हो ताकि ये जो है चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। हाँ जी, तो इस स्टेज पे मैं डालूँगी क्रीम, और क्रीम आप कोई भी ले सकते हो, अगर आपके पास घर में बुलाई है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, अगर क्रीम घर में अवेलेबल नहीं है, अगर बुलाई है तो वो भी सही है, वो भी आप इसके अंदर एक प्याली ऐड कर सकते हो। तो ये पूरी पूरा पैकेट इसके अंदर जाएगा। पूरा पैकेट इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, जिसको मैं फिर अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इसमें ये है कि बबल बनना शुरू हो जाएगा, तो आपने अपने हाथों का ज़रूर एहतियात करनी है। और जैसे ही ये बबल बनना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा आपने बीच में पानी डालना है, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, क्योंकि चिकन तो जो है वो हमारी पहले कुक हो चुकी है, तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए ना उस हिसाब से आपने थोड़ा सा पानी डाल देना। पानी डाल के तो आपने इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। तो ये बहुत ही मज़े का बना था। हाँ जी, तो इस स्टेज पे आप बादाम और काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप परेशान मत हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, और टेस्ट इसका बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा हम ये जो शादियों पे खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं, बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। और बीच में आपने इसके अंदर डालनी है काली मिर्च, काली मिर्च जो है ना वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है,
कम ज़्यादा आप कर सकते हो। लेकिन मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल किया था। हाँ जी, ये जो है कुक हो गई है और ये इसके फाइनल लुक है। तो मेरे पास कसूरी मेथी थी, वो भी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना वो इसके अंदर मैंने यूज़ की थी, तो बहुत मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी। हाँ जी, देखने से भी आपको ये फील हो रहा होगा, तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करें, फिर ही आपको पता चलेगा कि मैं मेरी वीडियो में क्या है। तो ये है, आप इसको नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।